अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 25 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, तो ये आपका इकोलॉजी का सेक्शन शुरू हो चुका है। इकोलॉजी क्या है कि जिसमें आप अपने सराउंडिंग्स, अपने एटमॉस्फेयर्स, अपने जो सारा जो कम्युनिटी आपकी जो चीज़ बनाती है, आपका जितना भी नेचुरल और बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब की डिस्कशंस करेंगे। तो हम देखते हैं कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है काफ़ी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें कोई ऐसे कंसेप्ट्स नहीं है कि किडनी ऐसे काम कर रही है या लंग्स ऐसे काम कर रहे हैं या जेनेटिक मटेरियल इस तरह से फ्लो कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी थ्योरी बेस्ड चैप्टर और वेरी जो है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है आसपास, साइकिल्स क्या हैं, थोड़ा सा फिज़िक्स और थोड़ा सा केमिस्ट्री भी इसमें आ जाता है। बट इट इज़ बेसिकली अ वेरी थ्योरी बेस्ड चैप्टर। इसमें कोई इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इतने ज़्यादा कोई कंसेप्ट्स नहीं है, बट वी विल स्टिल ट्राई कि हम इसे एक कंसेप्चुअल और एक बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह से पढ़ें ताकि हमें पता समझ आए कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ रहे हैं। बट प्रिटी मच जो है ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मगर कोई ख़ास इसमें कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। So starting from introduction, the purpose of study to this unit of this unit is to enhance the level of understanding about the ecology and human interaction with his environment. This will help to understand the effects of rapidly growing human population and his activities. ठीक है, अभी ये मतलब यही बता रहे हैं कि आपको क्यों environment की study करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि आपके environment में क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादा है, क्या आप अपने एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, ये किस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल है। तो इन चीज़ों की जो नॉलेज है, इन चीज़ों की जो नो हाउ है, उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, की क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं उनके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं आपके फिजिकल एनवायरनमेंट पे, आपके केमिकल एनवायरनमेंट पे। फिर उसके बाद इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक डिटेल है, वो हम प्रोबेबली थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि सक्सेशन एक चीज़ किस तरह से दूसरे में ट्रांसफ़र, एनर्जी का फ्लो, ये चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो चीज़ें जो हम रीयूज़ कर सकें और वो चीज़ें जो हम रीयूज़ ना कर सकें, उनकी डिस्कशन है। ठीक है, However, we will begin with discussing how elements are essential for life and how these elements are recycled between living and non-living environment. फिर हम देखते हैं कि ये जो elements हैं जो life के लिए essential हैं, कहीं कहीं नहीं हैं, किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और या तो ये waste हो जाएंगे या फिर हम इन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे coal है, petroleum है, ये आपके कुछ resources हैं, food resources हो जाती हैं। तो कुछ renewable हैं, कुछ reusable हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ dispose हो जाती हैं। किस तरह से एक लिविंग चीज़ एक नॉन लिविंग चीज़ बन जाती है, एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट लिविंग कॉम्पोनेंट में अल्टरनेट हो जाता है, किस तरह से इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, तो ये चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। तो आज का लेकिन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उनको हेल्प देने वाले, और उनके जो साइकिल क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ का एक जगह से साइकिल्स में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, एक जगह से कोई चीज़ शुरू होती है वहीं पे आके ख़त्म होती है। ठीक है, तो कोई चीज़ किस तरह से टर्न अराउंड हो रहा है, उसका किस तरह से वो टर्न ओवर कर रही है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल में जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, लैंड, बायो मीन्स लाइफ, और केमिकली हमें पता है कि किसी केमिकल्स की। तो किस तरह से द फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल। अब बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होगा कि किस तरह से केमिकल कंपाउंड्स या फिर केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकल्स जो है, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, किस तरह के इनसे इनका फ्लो होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, केमिकल्स हैं, इनका फ्लो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और एक तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनका एनवायरनमेंट, किस तरह से एनवायरनमेंट से जो है वो केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट के पास मूव थ्रू कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद हम अगर देखें तो ये हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल्स की एक तरह से डेफिनेशन हो गई। केमिकल्स एब्जॉर्ब और इंजेस्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स आर पास्ड थ्रू द फूड चेन एंड रिटर्न टू द सॉइल ऑयल सॉइल एयर एंड वाटर बाय प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड डीकम्पोजिशन। कहते हैं कि जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कोई चीज़ अगर खाते हैं वो किस चीज़ से बनी है? कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या प्रोटीन से बनी है जिसमें सल्फर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपके। तो वो जो हम केमिकल्स ले रहे हैं नेचर से, हम केमिकल्स ले रहे हैं इंजेस्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आप एक काऊ एक मंकी एक डॉग एक टाइगर एक लॉयन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी खा रहे हैं अगर, और फिर उसके बाद ये किस तरह से इंजेस्ट कर रहे हैं उसको? डाइजेशन के इंजेशन के थ्रू। उसके बाद वेरियस प्रोसेस से वो चीज़ें वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, वो रेस्पायर कर रहे हैं रेस्पायरेशन सांस लेने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, फिर डिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, डिफिकेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, एक्सक्रीशन के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिन वगैरह में, तो उन प्रोसेस की तरफ उसको एनवायरनमेंट में वापस भी दे रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पूरा, ये तो जिंदा ऑर्गेनिज्म के काम है, कोई ऑर्गेनिज्म पूरा ही मर जाए तो वो क्या है? वापस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएगा डीकम्पोज होके। एज एन एलिमेंट मूव्स थ्रू दिस साइकिल इट ऑफन फॉर्म्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन लिविंग टिश्यूज और बाय नेचुरल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर विच इज़ वाटर, और लिथोस्फेयर द लेयर ऑफ अर्थ। अब क्या कहते हैं कि जिस जिस तरह से ये एलिमेंट्स इस साइकिल के अंदर मूव कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में और बैक टू देम, तो ये क्या कहता है? ये कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कुछ हिस्से बना लेता है नेचुरल रिएक्शंस में, टिश्यूज़ का पार्ट बना लेता है। जैसे कि ये एयर का हिस्सा बन सकते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाटर का हिस्सा बन सकते हैं वाटर में पास आउट होके, या फिर ये अर्थ का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वॉयर मतलब किसी जगह का स्टोर हाउस, किसी जगह पर जो चीज़ स्टोर होगी उस स्टोर हाउस को हम क्या कहेंगे? रिजर्वॉयर। तो प्राइमरी रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। अच्छा, द केमिकल्स आर समटाइम्स हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन वन प्लेस, दिस प्लेस इज कॉल्ड अ रिजर्वॉयर। फॉर एग्जाम्पल, कोल डिपॉजिट्स दैट आर स्टोरिंग कार्बन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन केमिकल्स आर हेल्ड फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर बीइंग हेल्ड इन एक्सचेंज पूल्स। ठीक है, जिस तरह के इंसान और एनिमल्स एक्सचेंज पूल की एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर इसने दो टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। पहले वो कहता है कि रिजर्वॉयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी जगह पे अगर कोई चीज़ कोई केमिकल कोई ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहेगा उस जगह को हम क्या कहेंगे? रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर में क्या है? लॉन्ग पीरियड के लिए कोई केमिकल एक जगह पे खड़ा हुआ है, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए एक जगह पे वो स्टैंड करेगा तो दैट इज़ रिजर्वॉयर। जैसे कि कोल की माइन, कोयले की जो कान है वहाँ पर कितने ज़मानों से कोयला पड़ा हुआ है, एक केमिकल एक सोर्स एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो कोल माइन हो गई। अगर किसी जगह पे कोई शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ रखी होगी तो उस कोई केमिकल किसी जगह पे थोड़े अरसे के लिए पड़ा होगा, उस जगह को हम कहेंगे एक्सचेंज पूल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट पीरियड। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी एक्सचेंज पूल्स की, जैसे कि इंसान, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स। अब किस तरह से कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनिमल्स या प्लांट्स का हिस्सा होते हैं, मगर जब हम मर जाते हैं तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, वो एनवायरनमेंट का हवा का हिस्सा, कुछ चीज़ें बन जाती हैं गैसेस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पानी में जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से एक हो गया रिजर्वॉयर और एक एक्सचेंज पूल। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज कार्बन टू प्रोड्यूस कार्ब्स फैट्स प्रोटीन्स विच कैन देन बी यूज टू बिल्ड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर और टू ऑब्टेन एनर्जी, प्लांट्स रिलीज इट बैक इनटू द एयर और सराउंडिंग मीडियम। ये बातें सारी मैंने आपको बता दी कि जब हम खाना लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो, हम उसको ईट अप करते हैं, और ईट अप करने के बाद क्या होता है कि हम उसे वापस एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं। प्लांट्स उसको कैसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह को किस तरह से प्लांट्स रिलीज़ करेंगे? फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ें अंदर ये लोग ले रहे होते हैं प्लांट्स, कुछ चीज़ें कुछ केमिकल्स बाहर रिलीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, प्लांट्स एंड एनिमल्स टेम्परेली यूज कार्बन इन देयर सिस्टम एंड रिलीज इट बैक इन टू द एयर और सराउंडिंग मीडियम। जनरली रिजर्वॉयर्स आर एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो रिजर्वॉयर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स।
एबायोटिक फैक्टर्स मतलब कि वो चीज़ जो जिंदा नहीं है, ए मींस ऑपोजिट ऑफ, बायो मींस लाइफ, मगर ए मींस कि नहीं है, एबायोटिक तो लाइफ का ना होना जिन फैक्टर्स के अंदर। जैसे सिमेट्री होती है ना, ये एक सर्कल है, इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसकी सिमेट्री है कि ये सिमेट्रिकल शेप है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। अब लेकिन एसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है सर्कल, लेकिन एसिमेट्रिकल वो जो कि दो में डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, बल्कि ये भी आई थिंक प्रीटी मच डिवाइड हो सकता है, अगर कोई हम ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे करके बना देंगे, ठीक है, तो ये इसके दो इक्वल हाफ्स किस तरह से होंगे, एसिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिकल, एबायोटिक नॉट बायो, नॉट नॉट अलाइव नॉट लिविंग। द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ केमिकल इज हेल्ड इन वन प्लेस इट कॉल इट रेजिडेंस टाइम। एक केमिकल जितनी टाइम जो है वो एनवायरनमेंट में रहेगा, वो टाइम उसको क्या कहलाएगा, रेजिडेंस टाइम, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टडी फर्स्ट साइकिल जो कि क्या है, वाटर साइकिल। अब हमें पता है वाटर साइकिल बेसिकली क्या होता है, पानी होता है, बहरा होता है, वेपोरेशन होती है, बारिश आती है, वापस पानी आ जाता है, कहाँ से पानी आया था, स्नो, स्नो की मेल्टिंग से, स्नो पे सूरज पड़ी, सूरज ने स्नो को, ग्लेशियर्स को मेल्ट किया, पानी आया, पानी वेपोरेट हुआ, वापस रेन बनी, वापस स्नो गिरी, ग्लेशियर्स बने, मेल्ट हुए, कुछ इस तरह का साइकिल होता है। कंडेंसेशन, वेपोरेशन, फ्रीजिंग, कूलिंग, मेल्टिंग, ये वाले प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो हम इसको एक ओवरव्यू देते हैं, कहते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू अमेजिंग वाटर साइकिल। कहते हैं डू यू नो देर इज़ एज मच वाटर टूडे एज देयर वॉज थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अर्थ पे उतना ही पानी है जितना कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो था, ठीक है। तो इसकी कॉज क्या है, वाटर साइकिल। ओशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जिसके अंदर 97% जो अर्थ का वाटर है वो कहाँ पर है, ओशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, द वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाई सोलर एनर्जी विच एवेपोरेट्स वाटर एंड बाई ग्रेविटी विच ड्रॉज द वाटर बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। कहते हैं वाटर साइकिल को ड्राइव कौन करता है, सोलर एनर्जी, सूरज की एनर्जी, जो कि एवेपोरेट करती है, पानी को ऊपर खींचती है, और ग्रेविटी जो कि प्रेसिपिटेशन यानी रेन वाटर जो स्नोफॉल हो रही होती है उसको वापस अपनी तरफ से खींच लेती है, ठीक है। ड्यू हो गई, हेल, ओले वगैरह जो होते हैं, ये अर्थ की ग्रेविटी पानी को वापस नीचे खींच लेती है। Water falling on land takes place at different parts. Some water is evaporated from the soil, lakes and streams. A portion of water runs back off the land to the oceans. When rainwater falls, some of the water sinks or percolates into the ground and saturates the earth to a certain level. ये था कि पानी के वापस जाने के क्या तरीके, कुछ तो channels, कुछ नालियाँ इस तरह होती हैं कि वो वापस streams, ये ocean है, वापस इसमें चली जाती हैं। कुछ इस तरह से होता है कि वापस evaporate होके जब बारिश होती है तो वो उसमें चली जाती है। जब बारिश होती है तो कुछ वाटर जो है वो पानी ज़मीन के अंदर सिंक कर जाता है, या आप क्या कहेंगे, परकोलेट कर जाता है, सीप हो जाता है इनटू द ग्राउंड, और अर्थ को एक सर्टेन लेवल तक सैचुरेट कर जाता है। ये जो हम बोरिंग करते हैं और बोरिंग करके पानी निकालते हैं, ये जो परकोलेशन हुई होती है पानी की, पानी ने ज़मीन को सैचुरेट किया होता है, या वही पानी बाहर निकलता है। द टॉप ऑफ द सैचुरेशन इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। तो ये जो टॉप होगी अर्थ है, अर्थ के अंदर पानी चला गया है, और जो इसकी टॉप ऑफ सैचुरेशन है इसे हम कहेंगे वाटर टेबल। वेर एवर द अर्थ कंटेन्स बेसिन और चैनल्स, वाटर विल अपेयर टू द लेवल ऑफ द वाटर टेबल। द वाटर विद इन द बेसिन इज कॉल्ड लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है। समटाइम्स ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो लोकेटेड इन अंडरग्राउंड रिवर्स कॉल्ड एक्वीफर्स, यानी कि अक्सर आपने अंग्रेजी मूवीज़ में देखा होगा कि गारों में जा रहे हैं और फिर गारों के अंदर ज़मीन के नीचे कहीं किसी जगह में गए, वहाँ पे अंडर वाटर पानी के चैनल्स चल रहे होते हैं, अंडर वाटर रिवर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वीफर्स। ज़मीन पे होगा तो वो रिवर, ज़मीन के नीचे तो एक्वीफर, ठीक है। वाटर इन लिविंग बॉडीज़, लिविंग बॉडीज़ के अंदर 70% वाटर होता है, हम 70% हमारे अंदर कंटेंट वाटर का है, ब्लड वाटर है, सेल्स के अंदर वाटर है, ठीक है, हर चीज़ कंटेंट में वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इट इज़ एब्जॉर्ब बाई द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनमें रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और फिर स्टोमेटा के थ्रू वापस वो जो पोर्स हैं लीव्स के उसके थ्रू वापस एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट का, कुछ वाटर का पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बैक टू द एनवायरनमेंट बाय वेपराइजेशन, इवेपोरेट होके, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई फर्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल की, विच वाज वाटर साइकिल, किस तरह से वाटर की इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ वाटर होता है, किस तरह से यूज़ होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं वाटर के लिए, क्या वाटर बॉडीज होती हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कि किस तरह से नाइट्रोजन की सारी डिस्कशन होती है।
कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर बनता है, कहाँ वापस ब्रेक डाउन होता है, फिर कहाँ वापस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है. तो वी विल सी दैट नाउ. नाइट्रोजन इज द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. हमें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स दोनों के लिए, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं ना, तो इसके अंदर और जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं, जिनके अंदर पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स, जो आपका डीएनए आरएनए उसके अंदर क्या होते हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स होती है ना, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. तो ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं. प्रोटीन से आपके नेल्स बन रहे हैं, आपके हेयर बन रही है, आपकी स्किन बन रही है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, आपके क्रोमोसोम्स का 60% जो है कैरेक्टर वो प्रोटीन है. कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन. जबकि न्यूक्लिक एसिड्स आपके 40% जो क्रोमोसोम्स हैं उसको न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं. आपका हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए आरएनए ही तो है, ठीक है. तो नाइट्रोजन इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. किस तरह से नाइट्रोजन अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में मूव करता है, इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दीज आर टर्न बैक टू नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में होती है N2, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 79% आई थिंक इज ऑक्सीजन, ठीक है. नाइट्रोजन 79% आपकी नाइट्रोजन होती है, 21 इज ऑक्सीजन, 1% इज अदर गैसेस, ठीक है. 72 इज 8 और 91 10, कितने हो गए, 7 2 8 9 10, 100% पूरा हो गया ना. तो 79% इज योर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन एनवायरनमेंट. तो जो एनवायरनमेंट में 79% नाइट्रोजन है, इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाए इनटू व्हाट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और फिर इसको जो है वापस हम एटमॉस्फेयर में ले जाए. ये एटमॉस्फेयरिक की नाइट्रोजन थी, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और हमने यूज़ कर लिया और फिर वापस इसको इसमें कन्वर्ट किया. ये कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है. तो ये नाइट्रोजन साइकिल होगा. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस साइकिल मेंटेन बाय द डीकम्पोजर्स इन अदर बैक्टीरिया. द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दैट इज डीकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. कहते हैं कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये किस तरह से इसका मेंटेनेंस हो रही है, एक नाइट्रोजन की अमाउंट जो एनवायरनमेंट में है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है वो इक्वल रहे, ख़त्म ना हो कभी नाइट्रोजन. तो इसके लिए जो है हमारे पास बैक्टीरिया और कुछ डीकम्पोजर्स, यानी कुछ तोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो सबसे पहले जो है आपके पास एक एनवायरनमेंट, एक जो है वो आपके पास रिएक्शन होगा, 4 इसके रिएक्शन होंगे नाइट्रोजन साइकिल में, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होंगे. फर्स्टली वी हैव डी कंपोजिशन, देन वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर वन बाय वन होते हैं. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डीकम्पोजिशन में क्या होगा और फर्दर अगले स्टेप में नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होगी, फिर उसकी एसिमिलेशन कैसे होगी बैक्टीरिया के थ्रू. तो फर्स्ट स्टेप इज डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, डीकम्पोज करना किसी चीज़ को, कम्पोज होना किसी चीज़ की. कम्पोजिशन क्या होती है कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो जिस जिस चीज़ से बना हुआ है उसको तोड़ना, उसको निकालना क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन. Decomposition is the process of breakdown of complex substances into its components. उसके components के अंदर उसे breakdown कर देना. Decomposition of organic nitrogen is the first source of soil nitrates. It occurs in 2 steps, ammonification or nitrification. ठीक है, क्या होता है, organic compounds जो proteins हैं, nucleic acids हैं, इनके अंदर nitrogen रखा हुआ है, ठीक है. अब आपने इनको तोड़ के इसके अंदर से नाइट्रोजन को निकालना है, ठीक है. और इस तरह से कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, सॉइल के अंदर अमोनिया वगैरह है, वो इसी तरह से आएगी इन कंपाउंड्स को तोड़ के. तो डीकम्पोजिशन के अंदर 2 स्टेप्स हो सकते हैं, या तो अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन, या तो अमोनिया बना देंगे या नाइट्रेट्स बना देंगे. अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, ठीक है. The nitrogenous waste of animals and nitrogenous compounds of dead organisms are decomposed by saprophytic soil bacteria and fungi to form simple substances like water, carbon dioxide, amino acid and energy. ठीक है,
किसके थ्रू होगी? सैप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू. अमोनिफिकेशन किसके थ्रू होगी? सैप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, इनके थ्रू अमोनिफिकेशन होगी. द अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और अमोनियम आयंस, प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. ठीक है, अब अमोनिया बनेगा. वॉट इज अमोनिया? NH3 या अमोनियम आइंस बनेंगे, NH4 पॉजिटिव आइंस बनेंगे और नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स के थ्रू जिनके अंदर नाइट्रोजन थी, इन बैक्टीरिया के ने काम करके उस पर उसकी अमोनिफिकेशन करा देंगे. नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये कैसे होगी? अब इसमें नाइट्रेट्स बनाने हैं. सम अमोनिया स्केप्स इनटू द सॉइल बट मच ऑफ इट एंड अमोनियम आइंस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिया थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हमें NH3 अमोनिया नहीं चाहिए होता, तो ज़्यादातर अमोनिया को हम अमोनियम फॉर्म से और अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जिसमें आपके पास दो ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, नाइट्रोसोमोनास है पहला ग्रुप जो कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, सबसे पहले आपके पास है नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास क्या किसको कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में. फिर अगले आपके पास बैक्टीरियाज आते हैं, अगला ग्रुप जो है वो है नाइट्रोबैक्टर का. अब नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? इन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, ये नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स के अंदर. अगला स्टेप हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन. एनी प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आइदर बाय केमिकल मींस और बाय बैक्टीरियल रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन गैस इज कंपोज ऑफ टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लिंक बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड. हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस किस तरह से इसका कंपोजिशन होती है, तीन बॉन्ड्स होते हैं. ट्रिपल बॉन्ड्स आर हार्डेस्ट टू ब्रेक. ठीक है, दिस मेक्स इट केमिकली अनरिएक्टिव एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. इतने मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या थी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली या फिर बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो इनकॉर्पोरेट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन है. तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? हमें कोई ऐसा इवेंट करना होगा जो इतनी एनर्जी दे कि ये तीन बॉन्ड्स टूट सकें. ठीक है, तो किस तरह से होगी? द नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली बाय लाइटनिंग इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. ठीक है, जब लाइटनिंग होती है, जब गरज चमक के साथ बारिश हो रही होती है, तो जो लाइटनिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इसके थ्रू 5-8% फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं N2 के और एक एक अलग अलग नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है. और इस तरह से दीज आर कैरिड बाय द रेन इनटू द सॉइल. अब जब बारिश होती है तो ये पानी सॉइल में, मिट्टी में चला जाएगा, वहाँ से प्लांट्स में. ठीक है, प्लांट्स में चला गया नाइट्रोजन, प्लांट्स ने उसको इस्तेमाल किया और प्लांट से अगर इंसान या जानवर उसको खा लेंगे तो वो उनमें चला जाएगा नाइट्रोजन. फिर हम जानवर का गोश्त खाएंगे तो वो हम में आ जाएगा. ठीक है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किस तरह से होगी? फर्टिलाइजर्स के थ्रू. और बायोलॉजिकल फिक्सेशन किस तरह से होगी? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि 60% सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है 60% वो किससे होगी? बायोलॉजिकली. बायोलॉजिकली मतलब किसी जानदार से, और वो जानदार कौन है? नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया. ठीक है, ये नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास अलग है, वो अमोनिया से नाइट्राइट्स बना रहे हैं और फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करें, जबकि ये क्या कर रहे हैं? ये वाले बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज, ये कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन को इनटू द इट्स ब्रोकन डाउन पार्ट सिंगल सिंगल के अंदर. ठीक है, तो अब अगर एक रिएक्शन देखें, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स कुछ हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और क्लॉस्ट्रिडियम. ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. एजोटोबैक्टर एक एरोबिक, यानी कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फिक्स करेगा नाइट्रोजन को. क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करेगा, एनएरोबिक है. और राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में होगा और ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा. ठीक है, ऑक्सीजन फिक्सेशन किस तरह से हो रही है? ऑक्सीजन इस फॉर्म में होती है ना, N2 की फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके साथ तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और दो अमोनिया बन जाएगा. ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्स हो गई ना. ठीक है, अब ये करेगा कौन? फिक्स नाइट्रोजन जो है वो इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बट इज लेथ एंड डिजीज ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मर जाएंगे, जैसे कि एजोटोबैक्टर जो कि एरोबिक है, क्लॉस्ट्रिडियम जो कि एनएरोबिक है, एन
एरोबिक है और राइजोबियम जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये करेंगे फिक्सेशन नाइट्रोजन की। फिर अगला स्टेप है एसिमिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। आपने सबसे पहले क्या किया कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कराई, ठीक है, उसको अपने अमोनिया अमोनियम आयंस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप में क्या होता है कि आप जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो N2 वाली नाइट्रोजन होती है, उसको आप ब्रेक डाउन करके फर्दर उसकी अवेलेबिलिटी करें। एसिमिलेशन में आप क्या कर रहे हैं, उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू यूटिलाइज फ्री नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ब्लड प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमोनिया एंड नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल, वेयर एज एनिमल्स टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द ईटिंग ऑफ प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। क्या कहते हैं कि तीन, हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और हम इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से एसिमिलेशन करते हैं, बैक्टीरिया किस तरह से एसिमिलेशन, क्या था कि आप इस नाइट्रोजन को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, प्रोटीन्स बनाए, अमीनो एसिड्स बनाए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाए। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो फ्री नाइट्रोजन है, N2 वाली फॉर्म की नाइट्रोजन नहीं रहते बैक्टीरिया, जो फ्री नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली लेके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेंगे, ठीक है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं कि वो सॉइल के अंदर से नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स और अमोनिया को ले लेंगे, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाएंगे या फिर एनिमल्स खाएंगे फर्दर और कोई जिनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, उनसे लेके फिर वो अपने अमोनिया वगैरह, अपने प्रोटीन्स वगैरह बनाएंगे। अच्छा, नाउ वी हैव डीन्यूट्रिफिकेशन। डीन्यूट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ नाइट्रेट बिकम्स मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन especially by the action of bacteria. Such bacteria are called denitrifying bacteria. For example, pseudomonas, they reduce nitrates in the soil to gaseous state. अब denitrification का मतलब, डी का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रिमूव करना, हटाना, नाइट्रोजन को हटाना, कौन से नाइट्रोजन को, जिस नाइट्रोजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह वाली फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है या जो अमोनियम आइंस के फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको हटाना, उसको किस में कन्वर्ट करना, N2 की फॉर्म में, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि जिसके दरमियान में हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इसको कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये काम भी कुछ खास बैक्टीरिया करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें से एक जो है उसका क्या नाम है, सूडोमोनास, सूडोमोनास, ठीक है। तो ये काम इन्होंने कर दिया। अब ये प्रोसेस था डीनाइट्रिफिकेशन का, द प्रोसेस इन विच अ नाइट्रेट बिकम्स मॉलिक्यूलर नाइट्रेट्स बिकम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन स्पेशली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, मैंने आपको यहाँ पे बताया सूडोमोनास, कहाँ लिखा मैंने, ये सूडोमोनास बैक्टीरिया। इट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स इन द सॉइल टू गैशियस स्टेट, जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको वो गैशियस स्टेट में N2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पहले क्या होता है, नाइट्रेट होता है, दिस इज अ नाइट्रेट, नाइट्रेट में आपके पास क्या उसका अपेयरेंस होगी, NO3, उसको कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट के अंदर, ठीक है, नाइट्राइट इज NO2, फिर उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी, फिर उससे क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, N2O, और उसको कन्वर्ट कर देगा N2 में, ठीक है। तो ये इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वाली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नाइट्रोजन साइकिल्स के डिफरेंट स्टेप्स थे, डीकम्पोजिशन किस तरह से हमें अवेलेबल होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से उसको फिक्स किया जाएगा, एसिमिलेशन किस तरह से उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, और डीनाइट्रिफिकेशन कि किस तरह से उसे वापस एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि हम उसे इस्तेमाल ना कर सकें। तो यहाँ पर हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल्स की डिस्कशन, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, जो कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 25 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी है, ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी किस तरह से एक इकोसिस्टम के अंदर फ्लो करती है, आगे से किस तरह बढ़ती जाती है, तो इसकी डिस्कशन अगले लेक्चर में होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा इस पूरे लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको, और रीड करने के बाद एवरीथिंग विल बी क्लियर इवन मोर। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।